رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सुबह तैबा में हुई बनता है बारह नूर सुबह तैबा में हुई बनता है बारह नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर और मैं गया तू बादशाह कर दे प्याला नूर का नूर बिंदु ना तेरा दीदार सबका नूर और तेरी नस्ले पाक में है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का आइए बरादराने सलाम उसी नूर के लिए अब और आप मिलकर सबसे पहले बारगाह रिसालत माए किताबे नबुवत कौन है इसी नब कब गुसारे उम्मत साथ में शरीयत मालिक जन्नत मौसने इंसानियत कौन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूबे रब्बे गफ्फार शफीए रोज शुमार बेकरारों के करार खुलासाए कायनात आमना के लाल रूही खुदा अहमदे मुजतबा मोहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की बारगाह में कसमना में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश कीजिए तैयब बाबा से बोलो अल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि व सैयदना व शरीयना व इब्ना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैक या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअज्जज सामईन इकराम अभी अभी मैंने अपने खुतबाए मजमूना के अंदर कुरान पाक की कुरान पाक के 28वें पारे की एक मुकद्दस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और आप लोगों को भी उसी की तिलावत से मुशर्रफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वल्लजी अरसला रसूलहु बिलहुदा वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत वही है जिसने भेजा। अब यहां पर भेजने वाले का नाम नहीं है और ना तो जिसको भेजा गया है उसका नाम लिया जा रहा है। भेजने वाला कौन है और इनको भेजा गया रसूल बना करके आदि बना करके उनका भी नाम नहीं। आखिर नुकता क्या है? तो बिरादरान इस्लाम आप देख रहे हैं कि कुरान की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल्लजी अरसला रसूलहु वही है जिसने भेजा अपने रसूल को। ना तो यहाँ पर जाती नाम है और ना तो यहाँ पर सिफाती नाम है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वल्लाहु अल्लज़ी अरसला रसूलहु वो अल्लाह है जिसने भेजा अपने रसूल और ना तो अल्लाह ने अपना सिफाती नाम लेकर के बयान किया कि वल रहमानुल लजी वल गफ्फारुल लजी वल सत्तारुल लजी वो गफ्फार है जिसने भेजा अपने रसूल को वो सत्तार है कि जिसने भेजा अपने रसूल को वो रहमान है कि जिसने भेजा अपने रसूल को। नहीं नहीं बिरादरान इस्लाम ना तो यहाँ पर जाती नाम है और ना तो यहाँ पर सिफाती है। इसको समझने के लिए पहले मैं आप पर एक मिसाल एक उदाहरण एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर आप उसको समझ गए तो इस आयत करीमा का मफहूम भी आप अपना समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे साथी मोहतरम पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल वाजिद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इनका कोई शागिर्द होगा और इनसे कोई अपना तारुफ कराना चाहेगा कि हुजूर हजरत आपका तारुफ क्या है आपकी तारीफ क्या है आपका इंट्रोडक्शन क्या है आपका परिचय क्या है। तो जब कोई बहुत बड़ा उस्ताद होता है बहुत बड़ा साहिब इल्म फजल होता है
तो वो अपना तारीफ डायरेक्ट अपने नाम से नहीं कराता है, ना तो अपना जाति नाम लेता है मैं अब्दुल माजिद हूँ कि जिसका बड़ा शागिर है, ना तो अपना सिपाही नाम लेता है, बल्कि वो तारीफ इस तरीके पर कराता है कि मैं उस जैद का उस्ताद हूँ कि जिस जैद की काबिलियत ये है, मैं उसका उस शागिर्द का उस्ताद हूँ कि जिसका जमाल ये है, मैं उस शागिर्द का उस्ताद हूँ कि जिसका कमाल ये है। अगर तुमने पहले मेरे शागिर्द के कमाल को समझ लिया तो मेरे कमाल को समझ जाओगे, अगर तुमने मेरे शागिर्द के जमाल को समझ लिया इसी तरीके से मेरे जमाल को समझ जाओगे, मेरे शागिर्द की काबिलियत को समझ गए तो मेरी काबिलियत को समझ जाओगे, मेरे शागिर्द के इल्म को समझ गए तो मेरे इल्म को समझ जाओगे। बिना शुबहा मैं कहना चाहूंगा कि जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने रसूल को भेजा तो ये नहीं फरमाया कि मैं वो अल्लाह हूँ जिसने भेजा अपने रसूल को, मैं वो रहमान हूँ जिसने भेजा अपने रसूल को, बल्कि ये इशारा फरमाया कि मैं वो हूँ जिसने भेजा अपने रसूल को, कि अगर मेरे रसूल की काबिलियत को समझ जाओगे तो मेरी काबिलियत को समझ जाओगे, मेरे रसूल के जमाल को पहले समझो फिर बाद में मेरे जमाल को समझो, मेरे रसूल के कमाल को समझो फिर बाद में मेरे कमाल को समझो, जब मुस्तफा के जमाल को समझ जाओगे तो खुदा के कमाल को بریلی کی شان ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان قادری بخان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں دیوانے کو مولا کہوں تجھے باغے کلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور سرکار کا جو شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے اری جنت لبا کر دے نبی مختار تلتے جسے جو جانے عطا کر دے ہم اپنے نبی کو مقدار مانتے ہیں محتاج نہیں مانتے ہیں، اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ ہمارے لیے باعث شرف اور باعث برکت ہے، اس لیے کہ نبی کا جشن عید ولادت کی خوشی منانے والا نبی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں کر دیا، اور عید ولاد النبی منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی بھی فضیلت ساتھ اس کا بیان کر دیا۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اسی سے آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ مولانا شفیع اکاڈمی صاحب بہت بڑے مقرر تھے خطیب، ایک مرتبہ ایک گاؤں سے ان کو خط آیا کہ حضور آپ کو ہمارے گاؤں میں تقریر بولنے کے لیے تشریف لانا ہے، ہمارے گاؤں میں کبھی بھی میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت نے جب ان کے عشق و محبت سے بھرے ہوئے خط کو بلایا کیا تو آپ نے خط لکھا جواباً کہ ٹھیک ہے میں ضرور آپ کے یہاں تشریف لاؤں گا، آپ حضرات جلسے کی تیاری کریں میں اپنی تیاری یہاں سے کروں گا۔ حضرت اپنے ساز و سامان کے ساتھ زاد راہ کے ساتھ نکل پڑے اسی گاؤں میں یہ جہاں سے آپ کو مدعو کیا گیا۔ جب اس گاؤں کے اسٹیشن پر پہنچنے ہیں تو گاؤں والے آ کر کے اکٹھا ہو کر کے کہنے لگے حضور آپ کیسے آئے ہیں ویسے واپس چلے جائیں، ہم بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم اب عید میلاد النبی اپنے گاؤں میں نہیں کریں۔ حضرت نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا نہیں ہے بھائی، اب کون سی سمسیا آپ کو، آپ لوگوں نے تو کہا تھا کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا اس لیے میں چلا آیا کہ نبی کا ذکر ہر جگہ ہونا چاہیے۔ گاؤں والوں نے کہا حضور بات ایسی ہے
हमारे गांव के 90% कादियानी आ गया और हम लोग 10% उनका गलबा है। वो हम पर गालिब है, हम मकलूब है। उन्होंने हमको धमकी दिया है कि अगर गांव में तुमने ईद मिलादुल नबी मनाया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं होगी। तो गांव वाले कहने लगे हजरत हमारी इज्जत की बात है। तो हजरत मौलाना शफी कादरी साहब ने कहा नहीं नहीं, अब ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत की बात नहीं है बल्कि हम सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नामों से रिसालत की बात आ गई है। अब तो जरूर कश्मीर मिलादुल नबी तुम्हारे गांव में मनाया जा रहा है। लोग घबरा रहे थे अंदर से, कहीं ऐसा ना हो कि लाठियां पड़ने लगे कादियानियों की तरफ से। हजरत को क्या है, हजरत को तकलीफ बोलेंगे अपने घर रवाना हो जाएंगे, हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हाल होगा। लेकिन हजरत ने कहा घबराओ नहीं, मेरे पास उसका हल मौजूद है। पहले ये बताओ कि गांव में कोई गुंडा वाला आदमी रहता है लाठी लग लेकर के जो चलता हो। सबने कहा कि एक नूरा डाकू रहता है गांव से बाहर, नूरा डाकू रहता है पूरे गांव में उसका रोबो लगा हुआ, सब उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं। हजरत ने कहा ठीक है चलिए उसी पास पहुंचे। पहुंचे नूरा डाकू ने कहा ये मौलाना की जमात यहाँ क्या करने आ गए, इनका तो काम मस्जिद और मदरसे ही तक है, जैसा कि हम और आप लोगों ने आज समझ लिया है। मदरसा के तलबा, मदरसा के असातिज़ा बस सिर्फ कुरान पढ़ने और फातिहा दुरूद के लिए रह गए। दोस्तों बुजुर्गों ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं इल्मे दीन की फजीलत पर बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, ईद मिलादुल नबी की फजीलत मुझे बयान करना है। नूरा डाकू कहने लगा मैं तो एक डाकू हूँ, आप मौलाना लोगों का डाकू मुझे डाकू से क्या काम। तो सबने कहा हजरत की तकलीफ होगी और आपको वहां पर पहरा देना क्योंकि कादिनी कादियानियों ने धमकियां दिया। नूरा डाकू ने कहा मैं डाकू जरूर हूँ लेकिन मैं भी मुस्तफा का इसको मोहब्बत का एक दीवाना हूं, मैं जरूर पहरा दूंगा। चलिए हजरत आप तकरीर शुरू कीजिए, मेरी ये लाठी जब तक मेरे हाथ में है और जब तक मुझ में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अलू जलकर मगर हमको रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप लोगों को पसंद नहीं आया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलने की बड़ी फजीलत है। दोस्तों और बुजुर्गों अजीज तलबा भी बैठे हैं, किताबों का मुताला करते हैं, पीर साहब भी तशरीफ फरमा है, इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है और मैं बीच में मजमाउल बैरान बना हूँ। मेरे तरफ एक समंदर है तो दूसरी तरफ दरिया है, दोनों तरफ से बीच में मैं खड़े होकर के आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह की फजीलत ये है हजरत इमाम गज़ाली अपनी किताब याउल उलूम के जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 61 पर लिखते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन जिक्र मुस्तफा में जिक्र खुदा में जिक्र अहले बैत में जिक्र औलिया कामिलीन में जिक्र शोहदा व सालिहीन में एक मर्तबा अपनी जुबान से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है ऐ मलाइका की जमात जाओ सुभान अल्लाह कहने वाले के नाम से जन्नत में कदम रखते हैं। चला कि आप यहाँ पर सुभान अल्लाह कहकर मचल रहे हैं और आसमान में फरिश्ते मचल रहे हैं और बरेली में ताजदार अहले सुन्नत इमामे इश्क व मोहब्बत मचल रहे हैं कि अर्श पे दादा छेड़छाड़ अर्श पे दुर्बा गुमदान, अरे काने की दर लगाई है तेरी इलाज काने की दर लगाई है तेरी इलाज। नूरा डाकू पहरा देने लगे, मौलाना साहब की तकरीर शुरू हुई, पूरा जलसा खत्म हो गया, सलातो सलाम हुआ, फातिहा हुआ। उसके बाद लोग सब अपने अपने घर पर चले गए, मौलाना साहब भी अपने घर चले गए। दूसरे दिन वही नूरा डाकू मौलाना साहब के घर पहुंचा। मौलाना साहब ने कहा खैरियत तो, अब आप मेरे पास किस लिए आए हैं। तो नूरा डाकू ने कहा मौलाना साहब
आज तक मैं एक याकूब ही के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मुझे लोग आज के नबी के नाम से पुकारते हैं। मौलाना साहब ने पूछा, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा क्या हो गया कि तुमको आज के नबी से जाना जाने लगा? उस नूरा डाकू ने कहा, मौलाना साहब जिस वक्त आपने तकलीफ की थी और मैंने पहरा दिया था आपके जलसे पर, जलसा खत्म होने के बाद जब मैं अपने घर को वापस जाता हूँ, रात गुजरती जाती है, सुबह आती जाती है, मैं क्या देखता हूँ, एक सफेद पोशाक में, एक खुशबूदार पोशाक में तशरीफ फरमा होते हैं और मुझे बशारत होती है, मेरे वादे को चूमते हैं, मेरी परेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, ऐ नूरा डाकू, आज तक जो है तू दुनिया में एक डाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज तूने मेरी तकरीर सुन करके और मेरी मिलाद पर पहरा दे करके जन्नत को भी सवार लिया, खरीद लिया है, अपनी दुनिया भी सवार ली है और अपने आखिरत भी सवार ली है। मैं तुम्हारे पास आने जो शख्स अपने घर में, अपने मकान में, अपने दुकान में, अपने मोहल्ला गली कूचों में सरकार की पैदाइश का जश्न मनाया करते हैं, तो उन्हें अगर वो खुलूस-ए-निजात के साथ, खुलूसियत के साथ, सच्चे दिल सच्चे इरादे के साथ नबी का जश्न पाक मनाते हैं, तो यूं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैलाने करम जरूर होते होंगे। درود پاک پڑھیں، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آل محمد، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ درود پاک پڑھنے میں بھی کبھی الگ سے کام لے رہے ہیں، تو سنیے حضرت امام غزالی کی دوسری کتاب، کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب۔ کیا نام ہے؟ مجھے بھی بولیں، مکاشفۃ القلوب۔ سونے نہیں دوں گا، مر جانے نہیں دوں گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، درود پاک کی فضیلت بیان کر، کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری آنکھ سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پیر سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ذہن و فکر سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی قریب ہونے کا عرض کرتے ہیں، مولا کیوں نہیں، میری بھی یہی تمنا ہے اور ہر بندے کی یہی تمنا ہوا کرتی ہے کہ اے رب، تو ہمارے ہاتھ کی قوت سے زیادہ قریب ہو جا، تو ہمارے پیر کے چلنے کی قوت سے زیادہ قریب ہو جا، تو ہمارے کان کی سننے کی قوت سے زیادہ قریب ہو جا، تو ہمارے آنکھ کے دیکھنے کی قوت سے زیادہ قریب ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور ایسا پڑھا کرو جیسا کہ امام عشق و محبت نے پڑھا ہے، تم پہ کروڑوں درود، تابا کے شمشو دہا، تم پہ کروڑوں درود، ارے کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرے رضا تم پہ کرے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں، اگر دکان میں برکتیں چاہتے ہو، اپنے مکان میں برکتیں چاہتے ہو، اپنے کھیت و کھلیان میں برکتیں چاہتے ہو، تو کثرت سے نبی پر درود پاک پڑھا کرو، پر یہ ایک مرتبہ جھوم کر کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، برادران اسلام، میں اپنے موضوع سخن کی طرف چلتا ہوں، اور پانچ منٹ اور آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ والذی ارسل رسوله بالہدیٰ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، ہادی بنا کر کے بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کہ صدام حسین ابھی بھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देने वाला बना करके भेजा था तो अबू जहल और अबू लहब हिदायत दे नहीं पाए। सवाल पैदा हो सकता कि अबू जहल कंकड़ों से कलमा पढ़ते हुए देखा फिर भी ईमान नहीं लाया, अबू लहब ने हमारे आका की पैदाइश पर अपनी बांदी को आजाद किया और आज भी उसको उसका वसीला मिलता है लेकिन ईमान नहीं लाया। तो सवाल हो सकता है कि जहाँ एक तरफ अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत हजरे कर्रार हिदायत पा गए तो दूसरी तरफ अबू जहल और अबू लहब हिदायत नहीं पा गए। दोस्तों और बुजुर्गों मैं बताना चाहूंगा कि जब बारिश होती है अल्लाह की रहमत जब नाज़िल होती है तो हमारे घरों में कुछ बर्तन खुले रखे रहते हैं और कुछ बर्तन बंद होते हैं, उल्टा बंधे हुए रखे हैं। तो जो बर्तन खुले होते हैं उनमें फिर बारिश के कतरे जो है समा जाते हैं, बारिश का पानी भर जाता है और जो बर्तन उल्टा रखे रहते हैं पहले ही से उल्टा हो पहले इसे उल्टा हो उनको बारिश की हिदायत नहीं मिलती है। इसी तरीके से समझ लीजिए मुझे कह लेने दिया जाए कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ज़मीने अरब पर मबूस होने के बाद ऐलान नबूवत के बाद हिदायत की बारिश कर रहे थे तो हजरत अबू बकर का बर्तन खुला हुआ था इसलिए सिद्दीक बन गए, हजरत उमर का बर्तन खुला था इसलिए फारूक आजम से जाने जाने लगे और हजरत उस्मान गनी का बर्तन खुला था तो ज़ुन्नूरैन बन गए, हजरत अली के इश्क मोहम्मद का दिल का बर्तन खुला था वो हजरत कर्रार बन गए और जिनका बर्तन बंद था वो हिदायत नहीं पाए। इसीलिए सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं जब तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरी तकरीर करने में सबकते निशानी में अगर किसी किस्म की हुई गई या कामयाब मिलन या सावन हुई हो तो अपने दिल में के करीब से अल्लाह तआला के सलाम के सबके इतनी माफ फरमाए मेरी इस छोटी सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल व कबूल से सरफराज फरमाए, हम सबकी हाजिरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे इस नेक काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए और आप एक नाते नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम